हेलो एवरीवन वेलकम टू माई नड्रीज आई एम वानिया नरेंद्र यू आई जे के इंटरनेशनल जीके ओलम्पिया एजुकेशन फॉर ग्रेड नाइन्थ आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट इन फैट पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया से चल रही होगी क्योंकि आई जे के ओ जो है एक जो पार्ट है मतलब जो एक डेट थी वो हो गई है एक जो है आने वाली है तो पढ़ाई जो है हमारी फुल ऑन चल रही है है ना तो आज जो है हम थोड़ा सा ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि मज़ेदार सा टॉपिक है नहीं है बुकिश नहीं है आज हम बात करेंगे आ, मीडिया की लिटरेचर की म्यूजिक की डांस की गाने की और मूवीज की है ना जैसे कि टॉपिक यहां से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन हमने हर तरह से लिए हैं ठीक है जो चीज़ हमने पढ़ी थी हमने किताबों के नाम पढ़े थे मीडिया क्या होता है लिटरेचर क्या होता है उन दोनों में आ, रिलेशन क्या होता है हमने ये सब कुछ समझ लिया है अब हम एक जनरल आइडिया और जनरल चीजें पढ़ेंगे और बाकी ये जो वर्ल्ड है मीडिया का या जिसको हम कहते हैं का उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब जैसे कि जानते हो कि मैगनेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जिसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ता कोई भी पैकेज परचेज नहीं करना पड़ता हंड्रेड परसेंट फ्री चैनल है दो बार के बाद ये नहीं होता कि दो चैप्टर पढ़ लिए अब पढ़ना है आगे तो क्या करना है अब कूपन कोड अप्लाई करो ऐसा कोई झंझट नहीं है हंड्रेड परसेंट फ्री चैनल है आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपके घर बैठे हुए ठीक है अब इसी नोट के साथ अपन करते हैं फटाफट स्टार्ट अपने एम जो कि यहाँ पढ़ पा रहे हो बिगनर्स और अचीवर्स लेवल के बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे नाउ लेट्स बिगिन विद दिस ओके सबसे पहले जो है जैसे कि हमने शुरुआत की है श्री गणेश किया है तो हम बात कर लेते हैं उपनिषद की ठीक है उपनिषद जो है आप जानते हैं कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है जो कि कंटेन करते हैं सम ऑफ दी सेंट्रल फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ हिंदुजम फर्स्ट यूरोपियन स्कॉलर टू ट्रांसलेट दीज एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम संस्कृत इन द नाइनटीन सेंचुरी अब इसमें एक और बात समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं उपनिषद की तो आ, आपको बहुत अच्छे से ये बात याद होगी कि, कि जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी और हमने हिस्ट्री में शुरुआत की थी तो हमने वैदिक लिटरेचर से की थी ठीक है तो वैदिक लिटरेचर हमने में हमने क्या क्या पढ़ा था सबसे पहले शुरुआत हमने की ऋग्वेद से फिर हमने पढ़े बाकी जो तीन वेद आते हैं मतलब हमने बेसिकली चारों वेद के बारे में हमने समझा था स्टार्टिंग ऋग्वेद से हुई थी क्योंकि सबसे पहला जो वेद है वही है राइट वो हमने कौन सा डेट निकाली थी फिफ्टीन से थाउजेंड बी

जनरल बता देती हूँ 1954 में इसको लिखा गया था और ये एक्चुअली जो नोवेल थी ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियल uh, क्राइसिस अगर इफ आई कैन कॉल इट लिटरेचर में एक टर्मोलॉजी होती है आप ये कह सकते हैं कि ये ना एक जो उसका पृष्ठभूमि थी जैसे यहाँ पे माफ हुई गया कि के स्कूल बॉयज़ ऑन द डिजर्टेड आइलैंड तो उसमें क्या था रेजिंग वॉर का जो पृष्ठभूमि इसकी बताई गई थी वो क्या बताई गई थी कि रेजिंग वॉर है बहुत ज़्यादा रेजिंग वॉर है और वहाँ पर ब्रिटिश स्कूल के बॉयज़ हैं और उनको जो एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर रहा है और इवैक्युवेट कर रहा है वो वॉर सिचुएशन के बाहर लेके जा रहा है दैट हैज़ बिन शॉट डाउन बाई दी एनिमी एयरक्राफ्ट और वो जो है वो ये जो बच्चे हैं, लड़के हैं स्कूल बॉयजिशेड आइलैंड पे जाके फंस जाते हैं मतलब आइलैंड जो जो है, है, है है सारे सारे पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि जो होता है वो होता है और क्योंकि कोई बड़ा नहीं रहता एडल्ट नहीं रहता इनको समझाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए इनको कोई चीज बोलने बताने के लिए तो क्या होता है धीरे धीरे जो हैं, ये जो लड़के हैं इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं टर्न वेरी ब्रूटल टूवर्ड ई देखी गई है brutal and violent towards each other, तो ये आप कह सकते हैं ये जस्ट मानी गई है या आप कह सकते हैं एक ये प्रश्न अगर आप बोलते हैं कि बैकग्राउंड या प्लॉट अगर आप मानते हैं एक किताब का तो वो है स्कूल बॉयज ऑन द डिजर्टेड आइलैंड ऑन द डिजर्ट आइलैंड ठीक है ना अब मैं नेक्स्ट के बारे में बता दूं तो इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात करने वाले हैं डॉसपुर के बारे में ठीक है डास्पोरा स्टेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये 2004 में एक किताब आई थी और इसमें हमने जब बात की थी तो उसके ऊपर ये बेसिकली दू इसको डेस्पेरक्स भी बोलते हैं डेस्प्रू बोला जाता है वैसे है ना तो आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं प्रोनाउन है तो प्रोनाउंसिएशन uh, चेंज होता है डेस्प्रू अगर बोलेंगे तो दैट विल बी मच बेटर डेस्पेरक्स पीपल सम पीपल कॉल इट लाइक आपको मालूम है ना अमेरिकन एंड यूएस एंड यू का जो प्रोनासीशन होता है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं अभी हम बात कर लेते हैं तो द टेल ऑफ डेस्प्रो जो है ये किताब थी और डेस्प्रो टेलिंग जो है ही सेट्स आउट ऑन द क्वेस्ट टू रिक्वेस्ट ब्यूटिफुल ह्यूमन प्रिंसेस फ्रॉम द रैट्स और इसमें जो प्रोटैगनस था ये एक एक रैट था बड़ा क्यूट था प्यारा सा रैट था उसके ऊपर किताब थी और इसकी जो राइटर थी उनका नाम था आ, उनका एक और नाम था एलिजब डिकैमिलो भी उनको बोला जाता है वैसे उनका नाम जो था केट उनका नाम था ये बहुत फेमस अमेरिकन राइटर हैं और बहुत फेमस तकरीबन पच्चीस नावल इन्होंने बच्चों के ऊपर लिखी है बच्चों के फिक्शन से रिलेटेड नॉवल्स जो हैं ये लिखती हैं ज्यादातर और इनको जैसे मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर किताब के लिए इस पर्टिकुलर जो आप कह सकते हैं कैरेक्टर के लिए इनको बहुत ज़्यादा सराहा गया था और इनको 2004 का प्रतिष्ठित न्यू बड़ी मेडल जो है वो भी अवार्ड किया गया था इन फिक्शनल फिक्शन ठीक है तो ये चीज क्लियर हो गई है नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन थर्ड वन अब इसमें ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ठीक है ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं इसमें आप चीज देख पा रहे हैं कि इसमें डॉक्टर निकलस टल्फ हैं जो कि क्या कर रहे हैं वो बेसिकली उन्होंने एक आदमी का जो आम है यहां पे आपको दिख रहा है पे आम, आम को क्या किया उन्होंने अम्पुटेट किया उन्होंने एम्प्यूटेट है ठीक है इसमें ऑफ ऑफ द आर्म द मेडिकल प्रोफेशनल सम ऑफ द स्पेक्टेटर्स ऑफ वेरियस डॉक्टर्स हु पेड कमीशन टू बी इंक्लूडेड इन द पेंटिंग अब इसमें से ये जो उस टाइम पे जब ये पेंटिंग की गई थी तो इसमें से मैं आपको बता दू कि ये जो पेंटिंग ली गई है इसमें उस जमाने में जब ये पेंटिंग बनाई जा रही थी तो इसमें से ये जो

माने जाते हैं अपने युग के ठीक है और यहां पे जब हम नाम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं रैम ब्रांड की ठीक है तो ये रैम ब्रांड की बहुत ही फेमस पेंटिंग है नाउ थर्ड जो है इसमें से ये ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन मीडिया मुगल हैं जिनका वास्ट एम्पायर जो है मतलब अगर आप मानते हैं तो मतलब ये मीडिया मुनार के नाम पे या मीडिया मुगल के नाम पे भी इनको जाना जाता है आप नाम से काफ़ी हद तक ये बात समझ गए होंगे अगर आपको मीडिया में इंटरेस्ट है या मीडिया से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप जानते हैं समझते हैं तो काफ़ी बड़ा नाम है जिसमें आप बात कर लेते हैं हापर कॉलन्स जो है वो आ जाता है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स फिल्म का आपने देखा होगा ना जब फिल्म चालू होती है तो उसमें लिखा होता है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन उूज है वो आवाजा है वॉल स्ट्रीट जर्नल आ जाती है इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो नेशनल जोग्राफिक का नेटवर्क इनका आ जाता है इसके अलावा टाइम्स लंडन जो है वो इनके हाथ में है मतलब इसमें आप इतना बड़ा इनका नेटवर्क मानते हैं कि इनको मीडिया बैरन या मुग़ल मोनार्क मोनार्क या मुगल सॉरी मीडिया मीडिया मोनार्क या मीडिया मुग़ल uh, या मीडिया बैरन के तौर पे जाना जाता है और 2011 में इनको अक्यूज़ किया गया था हैकिंग द फोन्स ऑफ सेलिब्रिटीज और काफी ज्यादा जो है होल हल्ला इस बात पे मचा था और काफी सारी चीजें जो थीं ये एक तरह से सिक्योरिटी और उन सब चीजों को लेके साइबर अटैक वगैरह की जो बात थी ये भी उस टाइम पे बड़ा फिर एकदम से उसने तूल पकड़ा था क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति का नाम उसमें इन्वॉल्व हुआ था ठीक है और ये कहा गया था कि इन्होंने हैक किए हैं फोन और इसमें आ, फोन जो सेलिब्रिटीज हैं रॉयल्टीज हैं उनके और पब्लिक सिटीजन्स के और काफी सारा जो बातें थी वो चली थी लेकिन एज यू नो कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बढ़ती हैं और वैसे ही जितनी गति से उछलती हैं उतनी ही गति से बैठ भी जाती हैं ठीक है स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं मल्टी मिलीनियर मल्टी बिलीनियर की तो आपकी बात हो रही है यहाँ पे आप रोबर्ट मोडॉक की बात कर रहे हैं रोबर्ट मोडॉक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया मुगल इन द वर्ल्ड राइट नाउ नाउ विच ऑफ़ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स वॉज रुक्मणि देवी अरुंदलेसोसिएटेड अब इनका नाम आप समझ लीजिए कि ये रुक्मणी नीलकंठ के नाम से इनका जन्म हुआ था ठीक है नीलकंठ शास्त्री कई लोग आपको कई जगह पर आप ये पढ़ेंगे कि इनका नाम जो था वो रुक्मणी नीलकंठ शास्त्री भी बोला जाता था और बहुत ज़यीफ होके काफ़ी एज में लाइक एट्टी वन के एज में शी पास हुए और बहुत एक्टिव ये रहीं अपने डांस फॉर्म में इनको पद्म भूषण पद्म भूषण से नवाजा गया एंड शी वॉज डेडिकेटेड शी डेडिकेट

बात कर रहे हैं भरतनाट्यम डांस फॉर्म की और 1956 में आप सोचिए इनको पद्म भूषण दिया गया होगा तो कितनी पुराने कब कब इन्होंने शुरुआत की होगी है ना तो बहुत पुराना जो है आप मान सकते हैं कि बहुत फेमस एक डांसर के तौर पर उनका नाम लिया जाता है अब बात हो रही है दिस अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर एडिटर पब्लिशर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द मार्वल कॉमिक अब ये तो मालूम होगा यार ये बात हो रही है स्पाइडरमैन की है ना अब मनी पॉपुलर सुपर हीरोज़ की बात हो रही है अब आप लोग की तो एज है तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पर क्या बात हो रही है एज अ क्रिएटर ऑफ मेनी पॉपुलर सुपर हीरोज़ इंक्लूडिंग स्पाइडर मैन एक्स मैन डॉक्टर स्ट्रेंज तो नाम कौन सा सामने आ जाता है समझ में कॉमी अपेरेंस जो है इन्होंने अपनी मूवी में की जैसे हमारे यहाँ सुभाष कहीं है ना कहते हैं वो जो भी मूवी डायरेक्ट करते थे वो हीरो बनने आए थे तो हीरो उतना अच्छे नहीं बन पाए या चल नहीं पाए तो जो भी वो मूवी बनाते थे उसमें वो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ गेस्ट अपेयर दे देते दे थे तो विसी तरह से इन्होंने जो कैरेक्टर्स जो रचे जो बनाए उसमें इन्होंने कैमियो अपेयरेंसेज काफी दी अपनी क्रिएशंस में और इनका नाम जाहिर सी बात है यह आप जानते हैं ये मैं जैसे मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा स्पेशली डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि ये तो आप लोगों के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए नाम है स्टैनली स्टैंडलीफकोर्स नाउ अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन एज एन आर्टिस्ट एंड अ लॉयर ही वॉज अ रशियन हु सेटल्ड इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश ठीक है ही वॉज अ डेडिकेटेड एक्टिविस्ट फॉर द कॉज ऑफ प्रिजर्विंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर और इनके कई बार कई दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ में इनका जो नाम है वो नॉमिनेशन के लिए आया और मैं आपको बता दूँ रशियन थे सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था और नगर में मतलब इंडिया का जो उस टाइम पर तो खैर क्योंकि हम ब्रिटिश आ, के अंदर आते थे नगर करके जगह थी जो कि ब्रिटिश इंपीरियल इंडिया का हिस्सा थी वहाँ पर इनका देहांत हुआ इसके अलावा इनके बारे में ये कहा जाता है लॉयर थे एक्टिविस्ट थे इन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग मतलब ही वॉज नोन फॉर हिज पेंटिंग्स अपने पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं और इसमें मैं आपको एक बार बता लूँ जब हमें रॉरक की बात करते हैं रॉडक हैं ये ठीक है रॉडक की बात करते हैं निकलस रॉरिक तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है दैट ही वॉज एन एक्टिविस्ट और इन्होंने काफ़ी सारा काम किया इनफैक्ट अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री में अगर आप उठा के देखेंगे तो अमेरिकन हिस्ट्री में भी इनका जिक्र जो है खासा इंपॉर्टेंट माना जाता है रॉरिक पैक्ट अगर आपने सुना है तो रॉरक पैक्ट इनके नाम पे किया जाता है रॉरिक पैक्ट जो था वो पैन अमेरिका यूनियन ने किया था विद अमेरिका एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो यहां पे मैं इनका नाम के हिसाब से लिख रही हूं रॉरिक पैक्ट किया गया था नाइनटीन थर्टी में ठीक है तो वो इन्हीं के नाम पर था इसलिए ये इंपॉर्टेंट आप और समझ लीजिए और जैसे मैंने कहा कि इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं बहुत सुंदर लैंडस्केप्स पेंट किए हैं हिमालय की पेंटिंग बनाई है इन्होंने जो कि बहुत फेमस है और राइट सो नाम जो है आपको मालूम चल गया आप बात कर रहे हैं निकलिस रॉरक्की एंड ही बेसिकली आर्टिस्ट के नाम पे अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें थी बहुत बहुआयामी इनकी पर्सनालिटी थी लेकिन एज अ पेंटर रशियन पेंटर ये सबसे ज़्यादा फेमस है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो महाभारत की बात कर रहे हैं अगेन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक जो माना जाता है लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड स्टोरी किसकी है कुरुक्षेत्र की पांडव की गौरव की और जो युद्ध था महाभारत का उसकी है ना अब इसमें कहा जाता है उनके ब्रदर्स की और ट्रम्फ जो थी माना जाता है जो एक सीख बोली जाती है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है ये बात मानी जाती है ना और कृष्ण और अर्जुन के संवाद की जिनको वो पार्थ कहा करते थे उनकी बात हो रही है अब इसमें आपको कहा जाता है कि आपको मालूम है द्रौपदी की स्टोरी आपने सुनी है है ना द्रौपदी की स्टोरी आपने सुनी है द्रौपदी आपको मालूम है कि जिनको कहा जाता है है नरेश की पुत्री जिनका विवाह जो है, वो पांचों पांडवों से हुआ था और जो कहा जाता है कि क्योंकि उनका अपमान जो था भरी सभा में कहा किया गया और वही जो है बेसिक अगर आप कहते हैं कि अगर कोई कारण जो है जो 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 रीजन माना जाता है महाभारत के युद्ध का वो यही माना गया है ना तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो आप नाम पढ़ पा रहे हैं इसमें किस किस का नाम है प्रतिविंद सुतासुमा श्रुत श्रुतकर्मा एंड सतानिका एंड श्रुतसेन का तो ये द्रौपदी के बच्चे थे ये द्रौपदी इनकी मां थी ठीक है नाउ टेन इंडिया इज द ओनली कंट्री विद एक्टर्स टर्न इंटू सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस नॉट ओनली कंट्री पर हैज बट या वन ऑफ दी ओनली कंट्रीज जहाँ पे सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिशन्स बनते हैं जैसे काफ़ी लंबी कतार है ना मतलब आप इसमें नाम ले लीजिए राज बब्बर का जया प्रदा का हेमा माली का अमिताभ बच्चन का uh, राजेश खन्ना का विनोद खन्ना का मतलब ये सब लोग जो हैं ये एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियन है और काफ़ी सक्सेसफुल रहे एक्सेप्ट फॉर ऑफकोर्स इस टेंट ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन इन द पॉलिटिक्स वो उनकी उत्ती अच्छी नहीं रही बट अपार्ट फ्रॉम देम अपार्ट फ्राम हेम ऑल ऑफ दैम वर्क वाइट सक्सेस

ठीक है और एटीज़ का जो दशक है वो व्हाइट हाउस में इनके नाम से जाना जाता है मीन्स ही केम टू पावर इन 1981 और 1989 तक ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ठीक है और इंडिया के साथ हमारे समझौते या हमारी अगर आप कहते हैं डिप्लोमेटिक टाइज थोड़ी सी बेटर हुई क्योंकि राजीव गांधी उस ज़माने में जो थे राष्ट्रपति थे और उन्होंने जब बहुत सालों के बाद एक राष्ट्रपति नहीं सॉरी प्रधानमंत्री थे भारत के और उन्होंने बहुत सालों के बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया था और उनका जो ताए माना जाता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो काफी आपको राजीव गांधी हमारी साइड से और वो अपने अमेरिकन लोगों की तरफ से और वो चल के हुए बात कर रहे हैं और काफी ये फोटोज़ जो हैं बड़े बड़े उसमें प्रिंट हुई थी ठीक है तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली रोनल्ड रीगन की ना दिस प्ले इज़ नेवर रेफर टू बाई इट्स रियल नेम बिकॉज एक्टर्स बिलीव इट टू बी कर्स्ट ठीक है अब इसको माना जाता है कि भाई लोग इसको मानते थे कि बहुत ही ज़्यादा कर्स्ट है तो इसको कभी इसके असली नाम से नहीं पुकारा गया ठीक है इसको शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की नेम द प्ले अब मैं आपको बता दूँ विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट प्ले राइट द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन ऑफकोर्स एलिजबेथन एज में थे मतलब वो शेक्सपियरियन एज भी कहलाती है शेक्सपियर के नाम के बाद और उसमें आप कह सकते हैं जेकोबिन एज भी कहलाती है एक्चुअली और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे वो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया करते थे और उनकी जो फेमस सब्लाइन ट्रेजडीज़ हैं उसमें अगर आप नाम लेंगे तो उसमें हेमलेट ओथेलो किंग लेर एंड मैगबिथ का नाम आता है तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस पर्टिकुलर ये रोमांटिक ट्रेजडीज नहीं थी रोमांटिक ट्रेजडी जैसे रोमियो एंड जूलियट थी या लियो जो एंटनी क्लियोपेट्रा थी उस तरह की नहीं थी दिस वॉज टेल ऑफ टू सिटीज़ तो बेसिकली शेक्सपियर की ही है ही नहीं ठीक है बाकी अगर हम बात करते हैं तो ओथेलो जो था वो शेक्सपियर का था लेकिन शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी जो मानी जाती है की वो है है? और दूसरी बात कैरेक्टर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, है? भारद्वाज ने मकबूल बनाई थी और उसको शायद अडेप्टन जो है वो मैकबथ का माना जाता है हालांकि विशाल भारद्वाज की एक और मूवी थी जो कि माना जाता है का विच वज ओमकारा तो अभी हम बात करें मैकबथ की और इसको क्योंकि इसमें प्रोफेसी थी और इसमें डार्क uh, जिसको आप कहते हैं ट्रेजिडी थी ये तो मैलकॉम मैकडफ इस तरह के जो कैरेक्टर्स थे बड़ा उनका कॉम्प्लेक्स वो दिखाया गया है तो लेडी मैगबिथ का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में मतलब वन ऑफ दी जिसको आप कहते हैं मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है हिस्ट्री में ऑफ प्लेस तो उसको स्कॉटिश प्ले के तौर पर बोला जाता है नाम नहीं लिया जाता तो वह है मैकबिथ ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम बात कर रहे हैं थॉमस कैनली इज ऑस्ट्रेलियन नावल बेस्ट नोन फॉर राइटिंग अ बुक दैट वन बुक अ प्राइज इन 1982 एटी टू इट वॉज इंस्पायर्ड बाई पॉल्ड फ्लैफबर्ग अलोकास्ट सर्वाइवर अब ये बात समझ लीजिए आप ये हलोकास् सर्वाइवर की बात कर रहे हैं हम ठीक है मतलब आप नाइनटीन के बाद जो मतलब नाइनटीन फोटीज़ की आप घटना मान लीजिए फोर्टी तो नहीं एग्जैक्टली नाइनटीन फोर्टीज़ की आप मान लीजिए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी और नाजीज और आपको मालूम है पॉलिश एंड ज्यू जो स्ट्रगल था उसके ऊपर थी ठीक है आपने डायरी ऑफ फ्रेंक एक किताब है जो कि ज्यूश जो बच्ची थी उसके ऊपर था कि किस तरह उसको किस तरह उसने, उसने और उसकी फैमिली ने पूरा जो वो समय था किस तरह उसने झेला और फाइनली वो बच्ची जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डायरी मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि वो डायरी ऑफ एन फ्रेंक जैसे ही आप मान सकते हैं इसको अडेप किया गया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क वाले है ना आपको मालूम है स्टीवन स्पीलबर्ग बहुत फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर उन्होंने लिया और अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर्स को दिया गया और इसको अपने आप में वर्ल्ड की जो आज तक की बेस्ट पिक्चर्स बनी है है उसमें इसका नाम लिया जाता है। और कहा जाता है कि इससे बेहतरीन पिक्चर जो इंसानी संवेदनाओं को बताएं या आप कह सकते हैं हॉरर ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर या आप कह सकते हैं हॉरर ऑफ ज्यूइश जो एट्रोसिटीज उनके साथ की गई हॉलोकॉस्ट का वो शायद इस पिक्चर से ज्यादा अच्छा डिपेक्ट कहीं नहीं किया जा सकता इसको कहा जाता है और आप कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ दी मोस्ट जिसको कहते हैं ना आपको झंझोर के रख देने वाली फिल्म है अगर आपने देखी है तो आप थोड़े बड़े हो जाइए फिर देखिएगा अभी मत देखिए शिनलर्स लिस्ट की बात हो रही है ठीक है अब इसमें बता दूं मैं ये अमेरिकन टेलीविजन चैनल स्टार्टेड बाय टेट टर्नर इन नाइनटीन एटीज़ फर्स्ट टू प्रोवाइड 24 फोर आवर्स सर्विसज हमारे यहाँ जैसे अभी आई है ना ये आज तक और स्टार न्यूज़ और एन डी ये अगर आप बात करते हैं तो नाइनटीन में आ गया था जिसमें चौबीस घंटे न्यूज़ जो है कवरेज दिया जाता था नाम आप समझ चुके हैं जो सबसे फेमस अगर हम एजेंसीज की बात करते हैं तो उसमें कौन सी आती हैं सी आता है बी आता है रॉयटर्स आता है ए &E आता है है ना तो आप यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं आप सी की बात कर रहे हैं ठीक है Now next.

आप देखते हैं तो बहुत सारी इनकी सीरीज बड़ी फेमस मानी जाती हैं जैसे Planet Earth 2 जो है वो इनकी सबसे फेमस सीरीज अगर आप जानते हैं तो मानी जाती है उसके अलावा वाइल्ड लाइफ इन द मासेस करके बहुत फेमस है मैं आप लिख दे रही हूँ Planet Earth 2 बहुत फेमस मानी जाती है काम इनका इसके अलावा जैसे मैंने कहा वाइल्ड लाइफ फॉर द मासेस सॉरी फॉर द मासेस और बैक टू नेचर जैसे यहाँ पे बैक टू नेचर तो शायद ने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है बैक टू नेचर ये भी इनकी बहुत फेमस एक सीरीज़ मानी जाती है बैक टू नेचर ये बहुत फेमस इनकी सीरीज़ मानी जाती है और ये लिखी किसने थी ये डेविड एटनबोरो ने लिखी थी ठीक है, so, uh, लिखी नहीं थी, ब्रॉडकास्ट I mean की थी नेचुरलिस्ट uh, थे, uh, थे बहुत फेमस ब्रॉडकास्टर थे बीबी सही के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन इनका रहा है ठीक है so, you got the answers. Now, अब मैं बता ये जो है टाइटियन इटालियन पेंटर थे ठीक है इनको डिफेक्ट किया जाता था ये औरतों का क्या करते थे जब ये पेंटिंग बनाते थे तो ये ऑफन क्या करते थे वुमेन विथ हेयर ऑफ़ इस कलर ऑफ दिस कलर मतलब वो क्या होता था जब औरतों को उस जमाने में आजकल तो क्या है कि कलर्स हेयर का फैशन चल गया है ना तो पता नहीं चलते आजकल तो ब्लॉन्ड और और पर्पल और ब्लू सारे हेयर जो हैं वो वुमेन दे कीप हेयर ठीक है उस जमाने में नहीं था लेकिन उस जमाने में जब ये पेंटिंग बनाया करते थे जो महिलाएं थी तो उनके बालों को अलग अलग कलर में रंगते थे ठीक है इट हैज बिन यूज एज अ हेयर कलर दिन अर्ली एटीन 1900 से आप सोच लीजिए मतलब ठीक है 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 और और इस color को फिर क्या आ, कहने में आ गया गया कि इसको कहे जो है, इनके नाम पे रख दिया गया, उसको color कहने लगे और पता है कौन सा कलर था वो लाल रंग में कलर को आ, वो डिपेक्ट करते थे कि औरतों के बाल जो है वो रेड कलर के ठीक है तो उस तरह से आप कह सकते हैं टाइटियन कलर उसको बोला जाता था ठीक है

फेवरेट मतलब अगर मोहम्मद रफ़ी के बाद अगर किसी बड़े प्लेबैक सिंगर का नाम आता है दुनिया में तो वो आता है किसका युडली कुमार जिनको हम कहते हैं क्या किशोर कुमार उनका नाम है बहुत वर्सटाइल मतलब ऑब्वियसली एक्टर सिंगर आप जो देख लीजिए आप उनकी पुरानी मूवी देख लीजिए चलती का नाम गाड़ी ये वो मतलब आपको देख के मज़ा आ जाएगा अगर आपको किशोर कुमार का आर्ट अगर आपको समझना है तो उनकी पुरानी ब्लैक एंड वाइट हिंदी मूवीज़ देखिए जो उन्होंने उस टाइम में उनकी पत्नी नहीं थी बाद में उन्होंने शादी की मधुबाला के साथ की है चलती का नाम गाड़ी वन ऑफ फेवरेट जिसमें उन्होंने अपने तीनों भाई मतलब अशोक कुमार अनूप कुमार और किशोर कुमार तीनों भाइयों ने एक साथ काम किया था अशोक कुमार गांगुली जिसको आप जानते हैं जो कि उनके सबसे बड़े भाई थे वो भी बहुत फेमस एक्टर थे अनूप कुमार गांगुली उतने फेमस नहीं थे ठीक है लेकिन अगर आप कहते हैं तो Uh, यहाँ पे जो ज़िक्र हो रहा है वो किशोर कुमार का हो रहा है और किशोर कुमार के गाने चाहे आप उनके uh, मज़ेदार हैप्पी फ़न सॉन्ग सुन लीजिए या फिर आप उनके दुख भरे नगमे सुन लीजिए हर चीज़ में ही वर्ज एस एट एवरी थिंग दैट ही डिड राइट और आपको उनके बारे में एक और बहुत मज़ेदार चीज़ मालूम है कि जब वो इतने युडली कुमार थे और इतने फन और मस्ती भरे गाने गाते थे तो जब उनको सैड सॉन्ग्स गवाने की बात आई तो लोग जो थे जो प्रोड्यूसर्स थे और जो म्यूज़िक uh, डायरेक्टर्स थे वो बड़े नाराज़ हो जाते थे कि इस आदमी से कैसे कोई सोच सकता है कि सैड गाना गा सकते हैं लेकिन जब उन्होंने फिर वो दर्द भरे नगमे गाना चालू किए जब उन्होंने वो गाने गाना शुरू किए तो फिर दे वॉज नो टर्निंग बैक ठीक है सो ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट किशोर कुमार

उंट मोरेंसी ठीक है तो ये कौन है हमें ये बताना है है नाम समझ लो कौन है? वो हमें बताना है दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें तो आंसर ही मार्क हो जाएंगे <coughs> चलो द फ्रेंड ऑल काइंड ऑफ एलमेंट वट इज द टर्म गिवन टू हु इज एम नॉर्मली एंशियस अबाउट ठीक है अ फ्रेंड

We were all feeling seedy and we were getting quite nervous about it. Harris said he felt such extraordinary fits of giddiness.

ठीक है आई न्यू इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर एंड विच वीटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स अ अ कॉमन मैन कुड टेल लिवर सिमटम्स आउट ऑफ ऑर्डर आई हैड दम ऑल तो अभी नरेटर ने क्या कहा कि भाई मुझे ये मालूम है कि मेरा लिवर आउट ऑफ ऑर्डर है और ये मुझे कैसे पता है क्योंकि मैंने क्या किया क्योंकि मैंने एक पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर पढ़ा है और इसमें यह डिटेल्ड वेरियस सिम्टम्स बताए गए हैं कि अगर व्यक्ति का लिवर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है

कभी भी कोई पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट कभी नहीं पढ़ता विदाउट बींग इम्पेल्ड बाय द कंक्लूजन आई एम सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज मतलब मैं जब भी कोई चीज पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ है मुझे मतलब जो भी बीमारी के बारे में मैं पढ़ता हूं मुझे लगता है ये सारी बीमारियां जो है मुझे हैं ठीक है देअर इन डेल्ट विद इट्स मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म का मतलब और वो भी मुझे बिल्कुल उसका जो आप कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक फॉर्म है वो मुझे हुआ है ठीक है द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल देंस आई हैव एवर फेल्ट और कोई भी मेडिकल पेटेंट uh,

ये है कि ये जो है वो क्या है द नेरेटर वन ऑफ द फ्रेंड्स द बटलर अ डॉग ठीक है अब इसमें तीनों चीजें जो है उसने क्या बोली उसने तीनों चीजें अपने बारे में बोली कि तीन, दो तो उसने हमें दोस्त बताए, एक उसने खुद को बताया एक जो है हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो उसका कुत्ता था ठीक है नाउ

नाउ द बुक इज़ मेंट टू बी ऑटोबायोग्राफिकल हु इज़ द नरेटर ऑफ द पैसेज अब फर्स्ट पर्सन नरेशन में है ये आप समझ चुके हैं तो ये क्या है ये बेसिकली बात हो रही है नरेटिव की मतलब कौन है इसका नरेटर बहुत फेमस जरोम uh, के जरोम करके एक इंग्लिश राइटर थे ही वॉज नोन फॉर इज कॉमिक वर्क मतलब वो इतने फेमस थे कॉमिक uh, अपने टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने, जाने जाते थे अपने कॉमिक मोनोलॉग्स के लिए ट्रैवल लॉग के लिए स्पेशली वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और इंग्लिश राइटर हैं ऑफ कोर्स वो इसके नरेटर हैं और इस किताब के राइटर भी हैं

डैश इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अब देख लो भाई है ना ये ऐसी मूवी है जिसके बारे में मैं बता दूं वो मूवी ऐसी है जो कि ऑस्कर तक गई बहुत ज़्यादा एक्लेमेशन जो है वो आमिर खान को इस पिक के लिए मिला और कहा जाता है इसकी जो मूवीज है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी क्योंकि क्रिकेट मैच के ऊपर बनी थी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो क्रिकेट मैच खेला जाता है लगान की वसूली छोड़वाने के लिए मतलब वो लगान ना देना पड़े तीन साल तक का लगान माफ़ किया जाए इसके लिए होता है सेंट्रल भारत में या सेंट्रल प्रोविंस में जो इसका पूरा पृष्ठभूमि थी वो

मदर इंडिया में इनकी बात कर लीजिए या सुनील दत्त की बहुत बेहतरीन मूवीज हैं रेशमा और शेरा में बात कर लीजिए सुनील दत्त कहते हैं कि सबसे पहले बहुत फेमस बलराज दत्त का नाम था इनका और ये पाकिस्तान में फ्यूडल फैमिली को बिलोंग करते थे और बंटवारे के टाइम जब ये भारत आए तब इनका पूरा जो ऑब्वियसली जागीर वगैरह है वो सब पाकिस्तान में छूट गई यहाँ पर आके इनको नए सिरे से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी अपने परिवार को लेकर चलना पड़ा और उसके बाद इन्होंने एक नौकरी की ठीक है और नौकरी इन्होंने की एज अ आर और बड़ी इंटरेस्ट टिंग से कहानी है कि ये नरगिस के बहुत बड़े फैन थे नरगिस और राज कपूर का आपने नाम सुना होगा जिसमें आपने जो आर के बैनर है उसमें पूरी की पूरी जो जो आपको मालूम ना आर के बैनर का जो आ, लोगो है वो नरगिस और राज कपूर के ऊपर है ठीक है प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल है ना तो नरगिस के बहुत बड़े फैन थे और जब ये आरजे थे तो इनको एक बार मौका मिला नरगिस का इंटरव्यू लेने का ठीक है और कहते हैं जब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने नरगिस का इंटरव्यू लिया तो वो फूले नहीं समा रहे थे और बाद में जाके वो कभी ये

मुगल आज़म अपने आप में अगर आप बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक मूवी जिसको बोला जाता है जिसमें अकबर का रोल जो पृथ्वीराज कपूर ने किया था या सलीम का रोल जो कि दिलीप कुमार ने किया था या आप कहेंगे एक एक कैरेक्टर एक एक फ्रेम उस मूवी का ऐसा है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा दिस इज़ वॉट द मास्टर आर मेड ऑफ राइट तो अब बात हो रही है मुग़ल आज़म की अब मुग़ल आज़म अब ये बात समझ लीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी मूवीज़ हैं ठीक है आंसर जैसे मैंने आपको बता ही दिया है इसमें आपको यह बता दूं मैं क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कितनी बार वो शॉर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस वॉट शॉर्ट इन थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस ठीक है वो शॉर्ट इन थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस तीन अलग अलग भाषाओं में इसको शूट किया गया था डब नहीं किया गया था वो नहीं किया गया था ट्रांसक्रिप्ट नहीं किया गया था शूट किया गया था तो द आंसर इज लगान रेडियो सिलोन एंड थ्राइज मतलब तीन बार Uh, मुगल आजम को इनफैक्ट आपको ये भी मालूम होगा कि मुग़ल आजम को अभी टू uh, थाउजेंड में टू थाउजेंड के बाद ही मतलब मूवी तो बहुत पुरानी है दोबारा इसको कलर्ड उसमें रिलीज किया गया था मतलब पहले तो ब्लैक एंड वाइट थी फिर कलर्ड फॉर्म में मुगल आज़म को दोबारा री रिलीज भी थिएटर्स में किया गया था ठीक है रीड द गिवन फ्रेजेज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस इनका मतलब क्या है इन फ्रेजेस का आपको ये समझना है हिट द नेल ऑन द हेड इट्स नो रॉकेट साइंस गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड ठीक है जब आप कहते हैं इट्स नो रॉकेट साइंस

मतलब शुरुआत से शुरू से शुरू करना है ना स्टार्ट ऑल ओवर तो आंसर जो है वो ये है patient, calm down, go to sleep, of course not, ये तो तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा ठीक है इसका जो आंसर है वो ऑबियसली क्या है बी गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए राइट एंड स्टार्ट ओवर ना गिवन बिलो अ फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दूरदर्शन सेलेक्ट दी इनकरेक्ट वन अब इसमें दूरदर्शन के बारे में है जो इनकरेक्ट है आपको वो बताना है ठीक है हम लोग वो द फर्स्ट स्पॉन्सर टी वी सीरियल ऑफ इंडियन टेलीविजन टेलीकास्टेड ऑन दूरदर्शन बिल्कुल और जिन लोगों ने देखा है ना लोग हम लोग को आज तक भी याद करते हैं और हम लोग की जब हम बात करते हैं तो आज भी जो उस टाइम पर जो दूरदर्शन था वो आज भी जो पुराने लोग हैं आप कभी बात करके देखिएगा वो आज भी उसके बारे में जो सर्कस और फौजी और हम लोग का जो टाइम है ना और सी हॉक्स का वो आज भी लोग याद करते हैं ठीक है दूरदर्शन दूरदर्शन इसका जो आंसर है बेसिकली, थर्ड वाला जो है है वो गलत है, ठीक है अब हम बात कर लेते हैं नोबेल की हम बात कर रहे हैं। से कौन से नोबेल लॉरियट्स जो हैं उनको आपको मिलाना है कहा मिला था अब इसमें से आप समझ लीजिए टॉकसुक या आप बात कर रहे हैं अब्दुल रजाक की या लुई ग्लक की या पीटर हानके की ठीक है अब इनको आपको कब मिला था अभी ये आप समझ लीजिए इनको बेसिकली थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन मतलब क्या ये आप समझ लीजिए इनको मिला था थ्री ठीक है फोर टू वन ठीक है मतलब ओलगा को कब मिला था ओलगा को मिला था 2018 में अब्दुल रजाक को मिला था कब 2021 में लुई को मिला था 2020 में और पीटर हानके को मिला था 2019 में और ये आपको क्या दिया गया था इनको लौरे, नोबेल नोबेल लॉरियट्स हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हमारे बारे में हमारे यहाँ सबसे पहले कौन थे रविंद्रनाथ टगोर नाउ अब इस पे आ जाते हैं इनकरेक्ट मैच आपको फाइंड करना है ठीक है इनमें से इनकरेक्ट मैच जो है वो आपको फाइंड करना है टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो चार्ल्स डिकन की है ठीक है ये बिल्कुल सही है चार्ल्स डिकिन है पैसेज ऑफ इंडिया पैसेज टू इंडिया ई एम फॉस्टर की है ये भी बिल्कुल सही है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है वो लुई की है नहीं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थॉमस हार्डी की है थॉमस हार्डी वॉज अ पैसमिस्ट राइटर बट अ वेरी फेमस वन वेरी वेरी फेमस वन टेस अगर इनका कैरेक्टर एक जाना जाता है लड़की थी टेस् वो बहुत फेमस है ठीक है फार फ्रॉम द मैड क्राउड यहाँ पर जो है लुई ग्लक इनका नाम यहाँ पर आना था बेसिकली वो वहाँ चला गया है लेकिन ये फिर भी आंसर गलत है तो इट डजेंट मैटर दास कैपिटल ऑफकोर्स आप जानते हैं कार्ल मार्क्स की है और दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनी फेस्टो अंदाज कैपिटल, ठीक है कम्युनिज्म के आपको मालूम है कि जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा नाम अगर कम्युनिज्म में कहा जाता है तो वो कार्ल मार्क्स का है और इनकी एक कोटेशन थी जो कि मुझे बहुत पसंद है जब उन्होंने कहा दैट आई एम द लीस्ट कम्युनिस्ट इन ऑल ऑफ जर्मनी एक टाइम ऐसा आया था कि कहा गया कि भाई मैं ही दुनिया में सबसे कम कम्युनिस्ट हूँ ठीक है मार्क्सिस्ट हूँ सॉरी कम्युनिस्ट नहीं मार्क्सिस्ट उन्होंने कहा था आई एम द लीस्ट मार्क्सिस्ट इन जर्मनी तो वो कार्ल मार्क्स है विद दिस वी हैव कम टू एन एंड हमने कर लिए हैं क्या हमने कर लिए हैं एम सिक्यूज़ लिटरेचर के लैंग्वेज के एंड मीडिया के आई होप आपको सब समझ में आए होंगे मज़ेदार थे इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे बाकी आपको अगर हमारा जो हमने किया था वन शॉट किया था अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा हमारे चैनल पर जाना पड़ेगा मैगनर ब्रेस डॉट कॉम पर और वहाँ जाके जब आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो आपको लिटरेचर एंड मीडिया मिल जाएगा ठीक है बाकी आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जिसमें आप कहा पर कनेक्टेड रह सकते हैं आप हमारे फेसबुक चैनल पे रह सकते हैं इंस्टा पे रह सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम हम से हमसे जुड़े रह सकते हैं हर तरह से आप हमसे पूरी तरह से जुड़े रह सकते हैं हंड्रेड परसेंट फ्री चैनल है कोई कूपन नहीं अप्लाई करना कोई लेटर बाय नाउ पे लेटर वाला फंडा नहीं है आपको कुछ और पढ़ाई करनी है तो वो भी आप इतनी सारी विषयों में से चुन सकते हैं पढ़ाई जो है पूरी कर सकते हैं ठीक है ऑन दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड यू टेक केयर ऑफ येल्स थैंक यू सो मच